उम्र काल याद कर रहा हूँ, कोर्ट तो क्या बना। चटनी खाओगे? बहुत आम खाने का शौक है ना। आज तो चटनी बनाता हूँ, इतनी लाठी मारूंगा कि तेरी चटनी बन जाएगी। काहे अपने बाप को नहीं कहता है आम खाएंगे? रोकते रहेगी तो नो 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 नो। समझ क्या रखा है? नंद किशोर नाम है मेरा। एक एक आम को मैंने अपने बच्चे जैसा पाला है। किसी ने भी आम तोड़ा या छुआ भी, इसी बगिया में जिंदा गाड़ दूंगा उसको। पिछली बार तो पता ही नहीं चला था कि आम है कि अमिया। इस बार तो ये हीरे जैसा चमक रहा है। इस बार कितना रस निकलेगा इस आम में, रसीला होगा एकदम। पीयूष पीयूष उधर मत जा, उधर मोटा दंड तिचोर लाठी लेते बैठा है। लेकिन चटनी आम की खानी है। हाँ, चटनी खानी है आम की। अरे चटनी तो मुझे भी खानी है, पर वहाँ मोटू लच्छ लेके बैठा है। हाँ, अब तो चक्कर चलाना पड़ेगा। चक्कर? हाँ, हाथी घोड़ा पाल की जय मैया लाल की। बच्चे लड़ क्यों रहे हैं ये? तू मार रहा है इसको। चोको 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 वी वी। चलो जाओ जाओ कर जाओ, किधर लग रहा है यार। मेरे जैसे बच्चे पर लुट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? अब लूट के ले गए, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मस्त आम है, आज मैं मम्मी से बोलूंगा चटनी बनाएंगी। मैं भी अपनी मम्मी से बोलूंगा चटनी बनाएंगी। मैं भी अपनी मम्मी से बोलूंगा। ए, मेरे पेड़ से आम लेके आ रहा है। अरे वाह, क्या मस्त कलमी आम है। आज तो मस्त चटनी बनाऊंगा भाई, मस्त रोटी और चटनी चलेगी आज, दबा के खाऊंगा। अरे दादा पौड़ा गए क्या? समझ में नहीं आ रहा, मेरे पेड़ का आम है। अरे कैसे तुम्हारे पेड़ का आम है? मेरे पेड़ का आम है, पागल हो गए हो क्या? पेड़ का आम है, झोला दो। झोला कैसा दे दूंगा? झोला मेरे पेड़ का आम है, झोला दो। झोला याद कर रहा हूँ।